सर इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या लग रहा है? पूरा प्ले, या तो उसे एडिट करिए नहीं तो दूसरा प्ले तैयार करिए। सर इसमें गलत क्या है? सर जो हम सोचते हैं वो कम से कम हम बोल सके, थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए सर। देखिए अगर आप जैसे लोगों को ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए ना, तो आप लोग मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहेंगे कि सर ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं सर, मेरा सोच ऐसा नहीं है सर। अरे मुझे आपकी सोच नहीं जाननी, मुझे मंत्री जी की सोच जाननी है, उनकी पार्टी की सोच जाननी है, और ये प्ले उनकी सोच के अगेंस्ट है। सर इससे पहले भी ऐसे प्ले हुए हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था सर। तो तब मैं नहीं था यहां, नहीं तो होता। आप इस सब को एडिट करिए या फिर दूसरा प्ले तैयार करिए। सर मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा सर अलग है, मैं नहीं कर सकता सर। तो आप अपनी विचारधारा बदलिए, क्योंकि जब तक मैं यहां पर हूं तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। या तो आप इसको एडिट करिए या फिर पूरा प्ले चेंज करिए, जाइए। और सुनिए, ओ पहले उसके बुके से सैंपल मंगाइए, मैं उनको चेक करूंगा उसके बाद ऑर्डर दे। सच बोल रहा हूं मैं, हाँ डीन ने बोला है भाई, सर बोल के गया यार अभी, ठीक है चलते हैं भाई। यार इन लोगों को ब्रेक ही खत्म नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है मजाक कर रहा हूँ। अभी तो क्या बोले, क्या बोलेंगे, आ रहे हैं अभी तो, कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे, छुट्टा मार रहे होंगे। अगर घर छुट्टा नहीं मार रहे होंगे चूंकि इनकी बड़ी बड़ी बकैती चल रही होगी एक्टिंग को लेकर। हाँ वो गंजेड़ी तो बॉलीवुड की बात भी नहीं कर रहा होगा। हाँ सही कह रहा है, सही बात है। अबे यार वो तू ना अकेले में पूछ लेना, अभी ये बताओ कि करना क्या है। अबे क्या करना है, आने तो दे सबको पहले यार। देखो यार कुछ भी हो ये प्ले जरूर करना है यार, सबने पहली बार मेरे को मेन लीड दिया यार। कुछ चुप रहना यार, यार इन लोगों का हमेशा का ऐसा 10 मिनट बोल के आधा घंटा तो लगाते ही। हॉलीवुड की बातें 10 मिनट में खत्म होती है नहीं, हमारे टैलेंट की बातें चल रही है अभी तक। अबे तुम साले छुट्टा मारते रह जाओगे, प्ले कैंसिल हो गया अपना। अच्छा हाँ सर आए थे बोल के गए हैं डीन ने प्ले कैंसिल करने को कहा है, मतलब उससे क्या लाभ चाहिए। अभी सही कह रहे हो, बोला तो था कुछ खा के आता हूँ। अच्छा कुछ खाने में इतना टाइम लगता है? अरे बाबा बातें भी तो कर रहे थे बीच बीच में। अबे वो तो बोल रहा है कि तू सुट्टा मार रहा था इसके साथ। अबे सुट्टा, अबे मैंने बोला उनके साथ होगा यार, तू इसे अकेले में डांट लेना ना। अभी ये बताओ कि करना क्या है इसका प्ले का। सर बोल के गए प्ले एडिट करना पड़ेगा। अरे क्यों, अबे डीन ने बोला है कितनी बार बताया। अबे वो तो सुन लिया लेकिन एडिट क्यों करना है भाई। वो बोल रहा है प्ले में ये सब नहीं चलेगा, महाभारत नोटबंदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इससे। हाँ उसी को होगी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो। अबे ये सब बंद करो, सर क्या बोल के गए। अबे सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि आधे घंटे में डिसाइड करके बताओ करना है नहीं या फिर दूसरा करें। दूसरा? अबे इतना जल्दी कहाँ से हो जाएगा। हाँ यार और ये जब से डीन आया ना बहनचोद तब से माहौल और बिगड़ गया कैंपस का। हाँ लेकिन अभी करना क्या है यार, करना पड़ेगा क्या। छुटिया हो क्या, एडिट क्यों करेंगे, इतनी मेहनत से बना रहे हम लोग। यार यार मेरे ख्याल से कैंसिल होने से अच्छा एडिट कर लेते ना। अबे नहीं फिर भी सीन तो नए सिरे से लिखना पड़ेगा ना, इतना टाइम भी नहीं अपने पास। अबे यार तुम लोग चूतियापा बंद करो यार, मंत्री के प्ले कर रहे हैं क्या हम लोग ये। यार इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, सर लड़ नहीं सकते क्या हमारे प्ले के लिए। फटी है सर, दिन से फटी उनकी। अबे सही बोल रहा है सर, प्ले के रिहर्सल के टाइम पे क्रांति की बातें पेलता था, अभी सारा दिन से नहीं लड़ सकता। बेटे हमारे सामने क्रांति की बातें करने से कुछ नहीं जाता, दिन के सामने करेगा ना उसकी नौकरी चली जाएगी। हाँ मैंने बोला सर बोल देते कि एडिट कर लिया खासकर इतने बड़े इवेंट के लिए। सही बोल रहा है यार, बात तो करनी पड़ेगी सबको जाके। चलो चलो बात करके आते। अरे रुको यार जाओ वरना चिढ़ जाएगा वो। सही बोल रहे हैं, तुम लोग जाओ। हाँ तुम लोग जाके बात करते हो।
चलो बाबू चल रहे हो यार यार तुम इधर बैठो क्रांति का यार क्या करेगा जाके तू नाच सुनेगा उसकी इधर बैठ ले मुझसे कोई काम हमें आपसे कुछ बात करनी है अभी नहीं अभी बहुत बिजी हूँ सर को जरूरी बात करनी है इवेंट तक बिजी हूँ इवेंट के बाद बात करते हैं सर उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी है सिर्फ दो मिनट दो मिनट मतलब दो मिनट सर वो प्ले के बारे में बात करनी है आपसे हाँ तुम्हारे सर से बात हो चुकी है सर आप ऐसे कैसे प्ले कैंसिल करा सकते हैं हमारा दो दिन बाद हमारी परफॉर्मेंस है कैंसिल कहाँ गया ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम हो हाँ सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि किसी की धार्मिक भावना को हर्ट हो और तुम्हारा वो राजदरबार वाला सीन जिसमें तुम महाभारत और नोटबंदी का मजाक उड़ा रहे हो मजाक का सर हम तो वही दिखा रहे जो हुआ था हाँ सर हम तो देश में हो रहे बदलाव दिखा रहे हैं और अब तो हमने उसमें तीन तलाक का मुद्दा भी डाल दिया यही तो महाभारत में तीन तलाक घुसा रहे हो और फिर पूछ रहे हो कि किसकी धार में भावना भड़क सकती है नाउ बहु तुम्हारे सर से बात हो चुकी है सीन एडिट करने को लेकर जाओ सर अगर उसको एडिट कर देंगे तो उसमें बचेगा ही क्या वही तो हमारी क्रिएटिविटी है अरे तो महाभारत पे प्ले कर लो वो भी एक अच्छा प्ले बन सकता है लेकिन नहीं सारी क्रिएटिविटी तुम्हारी सरकार और महाभारत का मजाक बनाने को लेकर है और इतनी ज्यादा क्रिएटिव हो तो कुछ नया क्रिएट करो लेकिन इस कंटेंट के साथ मैं प्ले करने की परमिशन नहीं दूंगा सर हम प्ले के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तुम्हारे कुछ कहने के लिए प्ले नहीं करवा रहा है इंस्टीट्यूट तुम्हारी क्राफ्ट को पॉलिश करने के लिए करवा रहा है अरे बहुत सारे प्ले है बड़े बड़े राइटर्स के जाके वो करो सर हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया इसको तैयार करने तो गवर्नमेंट भी बहुत फंड स्पेंड कर रही है तुम लोगों पर समझे तो आप हमारी क्रिएटिविटी का गला घोट रहे हैं हाँ सर इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको होना ही चाहिए है ना ऐसे प्ले तैयार करना तुम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ऐसे प्ले ना होने देना ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या सारी फ्रीडम का ठेका तुम लोगों ने ही ले रखा है तुम्हारे दो मिनट हो चुके हैं जाओ लेकिन लेकिन कुछ नहीं उसको एडिट करो या दूसरा प्ले दिया सर ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप कर रहा हूं तो सर ऐसा है कि जो प्ले है ना ये ऐसा ही होगा आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना हाँ सर सुना जो मैं चाहूंगा मैं भी वही करूंगा और आप सुना ध्यान से ये प्ले नहीं होगा ये इवेंट बिना किसी प्ले के होगा भूल जाओ इस प्ले को नाउ गेट आउट गेट आउट भाई हुआ क्या बताओगे अबे हुआ क्या था नहीं माना उल्टा प्ले कैंसिल करा दिया साले प्ले कैंसिल हो गया मतलब प्ले नहीं होने वाला है भाई इवेंट में क्यों अभी इसका मच हो गया उससे तो गुस्सा हो गया वो यार इतनी मुश्किल से मेरे को मेन लीड दिया था सर ने अरे तू चुप रह ना भाई या प्ले कैंसिल हो गया तुझे तेरे रोल की पड़ी है तो तुझे बिल्डिंग की क्या जरूरत थी सर से अरे तू चुप रह यार यार कुछ लाइन सी तो एडिट करनी थी कर लेते कौन सी क्रांति आ जानी थी उससे क्रांति की बात नहीं है भाई लेकिन क्या हम कुछ सोच भी नहीं सकते अब हाँ यार कौन सा गाली दे रहे थे उसने अरे लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा है तो चेंज कर लो ना अबे उसकी पसंद का ठेका ले रखा है क्या साले कब से प्ले में मेहनत कर रहे हैं लेकिन अब करना क्या है भाई अबे क्या कर सकते हैं क्या मतलब कुछ सोचना तो पड़ेगा ना कि आगे क्या करना है सोचना पड़ेगा नहीं सोच लिया है हंगामा करेंगे साले को मतलब अबे देख अगर एक बार इस टीम की चल गई ना तो हर बार इसकी झेलनी पड़ेगी भाई सही कह रहा है यार स्टूडेंट पावर तो बतानी पड़ेगी उसे यस जब एक बार हंगामा हो जाएगा ना साला अपनी औकात में रहेगा ये बिल्कुल सही है अरे आराम से लेकिन ज्यादा गड़बड़ ना हो जाएगी अबे जो गड़बड़ होनी थी वो हो चुकी वो अपनी मनमानी कर रहा है हम अपनी मनमानी करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे कल से गेट के सामने ओए कल से नहीं आज शाम से और इवेंट वाले दिन तक करेंगे हाँ हमें सोचने की आजादी मिलनी चाहिए आपको बोलने की भी आजादी मिलनी चाहिए हमें सोचने की आजादी दो आजादी दो आजादी दो आजादी दो सोचने की आजादी दो आजादी दो बोलने की आजादी दो आजादी दो अंदर जाके बढ़ के रहिए शिक्षा मंत्री का पूछ जाइए बहुत
सर कुछ लेंगे आप? इस्तीफा इस्तीफा लेंगे आज हम आपका। 3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और आप हमें यहां बता रहे हैं। सर मुझे लगा कि वो खुद ही हट जाएंगे। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा वो खुद ही हट जाएंगे? आपको ऐसा कब लगेगा कि उन्हें हटाना चाहिए? सर 10 मिनट मैंने भेजा है सर डायरेक्टर। मेरे आने से पहले नहीं कर सकते थे काम? स्टूडेंट का आंदोलन देखने के लिए आपने हमें यहां बुलाया है? बात करते सॉरी सर। बाहर गाड़ी घेर लिए थे, घेर के नारेबाजी करने लगे। शिक्षा मंत्री जाइए, थोड़ा पढ़कर आइए। अनपढ़ लगते हैं हम आपको? नहीं सर आप तो वैसे ही सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं विरोधी हमारे। ये पकड़े आपके अपने स्टूडेंट पर और हमें लगा आप स्टूडेंट यूनियन को मजबूती देंगे। विरोधी तैयार कर रहे हैं आप हमारे लिए? आई एम डूइंग सर, बट सर कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर खड़े हो गए हैं डेमोक्रेसी के नाम। यही लोग डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, जानते हैं आप? जानते हैं सर। कथा जानते हैं आप? डेमोक्रेसी का डेमो भी पता नहीं है आपको तो भूल जाइए। और बस इतना याद रखिए कि डेमोक्रेसी का मुख्य स्तंभ है नेता। स्तंभ समझते हैं आप? पिल्लर वो जो मेट्रो में होता है ना, वो है हम। तो अगर नेता खतरे में है तो लोकतंत्र खतरे में है। यस सर। अब जाइए, चाहे लतियाइए चाहे बतियाइए, हमारे मंच में पहुंचने से पहले सब हटना चाहिए। बस हो जाएगा जल्दी, नहीं तो आज हम आपका इस्तीफा लिए बिना नहीं जाएंगे। सुनिए ये जो आंदोलन का नेता है इससे हमें मिलवाने वाले हमारे काम का हो सकता है। अब जाइए, मुंह क्या देख रहे हैं? हमें बोलने की आजादी दो, आजादी दो, सोचने की आजादी दो, आजादी दो, बोलने की आजादी दो, आजादी दो, सोचने की आजादी दो, आजादी दो। क्या हुआ, समझा नहीं आपने उन्हें? सर वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे क्या मतलब? सर 2 महीने से उसकी प्ले की प्रैक्टिस चल रही है और एक झटके में आप उसके प्ले को कैंसिल कर देते हैं। अरे तो ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्या? तो फिर किसके लिए कर रहे हैं सर बताइए? कुछ निर्णय देश की राजनीति को भी ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। देश की राजनीति का हमारे से क्या लेना देना है? लेना देना है? आप ही तो पहले मैं राजनीति घुसा रहे हैं। आपका पहले मंत्री को नाराज कर सकता है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन मुझे पड़ता है, इस इंस्टीट्यूट का पड़ता है। आपको शायद मालूम नहीं है कि यह इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का अनुदान पर चलता है। आप पे बड़े पर नहीं चलता। आपके आने से पहले भी इंस्टीट्यूट चलता था। क्या मतलब? नहीं बताइए क्या मतलब है आपका? हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा हूँ मैं, आप बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जब से आप ये इंस्टीट्यूट आए हो तब से इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सर। इंस्टीट्यूट के लिए कुछ अच्छा नहीं है सर। इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको शायद मालूम नहीं है मैं आज तक जिस भी इंस्टीट्यूट में गया हूँ उसको मैंने कहां से कहां पहुंचाया है। सर ये हार्ट इंस्टीट्यूट है, दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह नहीं चलता ये। ओ तो अब आप मुझे बताएंगे कि इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है? ये इंस्टीट्यूट वैसे चलेगा जैसे इसको मैं चलाऊंगा। तो फिर स्टूडेंट भी वही करेंगे जैसा वो चाहेंगे। ओके ठीक है, आधा घंटा है आपके पास, या तो आप उनको हटाइए नहीं तो लाठियां खाएंगे वो। जाइए। मात्र ऐसा स्वतंत्र देश है जहां कुछ भी करने और बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। हम खुशनसीब है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें इस लोकतंत्र का पालन करना चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, Room Actors.